गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज क्लास सिक्स के लिए चैप्टर है 11। चैप्टर 11 का शीर्षक है अपनी भाषा का महत्व। अपनी भाषा का महत्व हमारे लिए कितने मायने रखता है, इसमें स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति है कि हमारी मातृभाषा ही हमारी संस्कृति का पहचान है। हमारी पहचान जो है वह हमारी मातृभाषा है, इसको हम इस कहानी के माध्यम से इस प्रकार समझेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना क्यों आवश्यक है। कहानी में डॉक्टर रघुवंश नाम के व्यक्ति हैं जो अक्सर फ्रांस जाया करते थे और फ्रांस के राजवंश परिवार में ठहरते थे। वहाँ उनका अच्छा से स्वागत किया जाता था। उसी परिवार में एक 11 साल की लड़की थी, वह डॉक्टर रघुवंश की खूब सेवा करती थी। वह लड़की उन्हें अंकल के नाम से बोलती थी। एक बार डॉक्टर रघुवीर भारत से एक लिफाफा को प्राप्त किए। बच्ची की उत्सुकता बहुत बढ़ गई कि आखिर यह अंकल तो भारत के हैं और भारत की भाषा को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए बहुत आग्रह करके उनसे वह पत्र पढ़ना चाहती थी। तो उसने कही कि देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। डॉक्टर रघुवंश ने कहा कि तुम पत्र क्या पढ़ोगी, छोड़ो इस बातों को, पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ करके टालना चाहो, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा पत्र भारतीय भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में नहीं है, मेरा पत्र जो है वह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। लेकिन लड़की बड़ी जिद्दी थी, वह रघुवीर को पत्र दिखाना पड़ा, डॉक्टर रघुवीर को पत्र दिखाना पड़ा। पत्र देखते ही बच्ची ने मुंह लटकाया, अरे यह तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपके देश की कोई भाषा नहीं है। लड़की ने डॉक्टर रघुवंश के प्रति थोड़ा सा उस समय बेहिचक निगाहों से इस कदर देखी कि लगा उनका वह सम्मान भूल चुकी है। बच्ची उदास होकर चली गई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोपहर में अक्सर उस राजवंश के घराने में लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। बड़े उत्साह से चहक महक रहती थी। गृहस्वामिनी बोली, डॉक्टर रघुवीर, आगे से आप किसी और जगह रहा करें। जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती उसे फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं। बर्बर यानी असभ्य, जो अपनी सभ्यता को भूल चुका है। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ कोई संबंध नहीं रखते। गृहस्वामी ने आगे बताया कि माता लॉरेन प्रदेश के एक ड्यूक की कन्या थी। अब वह अपनी जिंदगी के बारे में बताती है कि मैंने आपको कहा तो आपको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन हम जिस सभ्यता से हैं, हम जिस संस्कृति से हैं, वहाँ मैं कुछ करके आई हूँ, तो आप मेरे बारे में सुने। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषी प्रदेश जर्मनी के अधीन था और जर्मन सम्राट के वहाँ फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा थोप दी थी। यानी
फ्रेंच भाषी जो शब्द था, जो उनकी आज़ादी थी, वह खत्म हो गई और वहाँ जर्मन भाषा थोप दी गई। स्वभावतः विद्यालय के शिक्षण कार्य भी जर्मन भाषा में होने लगी। लेकिन मेरी माँ उस समय 11 वर्ष की थी। माँ एक मेधावी छात्र थी। मेधावी छात्र होने के नाते वह सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ती थी और जर्मन सम्राज्ञी कैथरीन लॉरेन का दौरा करते हुए जब वह विद्यालय के निरीक्षण में आई तो मेरी माता अपूर्व सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी। यानी माता के बारे में बताया है कि उनकी माँ जो थी वह बहुत मेधावी छात्र थी। बच्चों नए कपड़े में सज धज कर आई थी। सारे बच्चे पंक्तिबद्ध खड़े थे। राष्ट्रगान जब सुनाने को कहा गया तो वहाँ कोई भी राष्ट्रगान बच्चियाँ पूर्ण रूप से याद नहीं की थी। और मेरी माँ ही सिर्फ एक ऐसी बालिका थी जिसे पूर्ण रूप से राष्ट्रगान याद था। अब वह साम्राज्ञी ने बच्ची से राष्ट्रगान सुनाने को कहा और उसने साम्राज्ञी ने पूछा क्या कोई बच्ची जर्मन राष्ट्रगान सुना सकती है। मेरी माँ को छोड़कर वह किसी को याद नहीं था। मेरी माँ ने शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ सुंदर ढंग से राष्ट्रगान को गाया। साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। बच्ची चुप रही और बार बार आग्रह करने के बाद महारानी जी क्या जो कुछ मैं मांगूं आप वो दे सकती हैं। साम्राज्ञी काफ़ी उत्तेजित हो गई कि जब मैं एक साम्राज्ञी हूँ तो आखिर आप क्या चीज़ मांगेंगे जो मैं नहीं दे सकूँगी। एक छोटी सी लड़की का आग्रह मैं पूरी नहीं कर सकूँगी। यही सोचने लायक बात थी। उस लड़की ने साम्राज्ञी के सामने एक ही प्रश्न रखा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आप मेरे कार्य से संतुष्ट हैं और मुझे पारितोषिक देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप फ्रेंच भाषा को मान्यता दें, क्योंकि जर्मन भाषा जो है वह हमारी स्वतंत्रता को हनन कर दिया है। अब साम्राज्ञी के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया। इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गई किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी और बोली, लड़की नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मनी पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा कि आज तुमने मेरे सामने कर दिया। तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर आज इस प्रकार का वार किया, तो लो साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन तो झूठा नहीं जाएगा। तुम छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी की सम्मान को पराजय करने के लिए तुली हो। मैं भली भांति जानती हूँ कि आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक अब जर्मनी के अधीन नहीं रह सकेगा, क्योंकि जब उसकी भाषा को मान्यता दी जाएगी तो अवश्य वह राष्ट्र स्वतंत्र होगा। यह कहकर महारानी उदास होकर वहाँ से चली गई। गृहस्वामी ने कहा, डॉक्टर रघुवीर की इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ।
हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं, इसलिए उन्होंने साम्राज्य के वचन को पूरा करने के लिए बाध्य कर दिया और जर्मन भाषा की जगह उन्होंने फ्रेंच भाषा की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर ली। तो इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीख दी गई है कि आप अपने देश, राष्ट्र, भाषा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति सच्ची सहानुभूति रखें। धन्यवाद।